है मेडिकल कॉलेज में जो एमओयू साइन हुआ है उसमें ओनर वो सपोज कि वो और किस किस प्रदेश को इस पैकेज में कितना कितना हिस्सा मिलेगा ये कोई निर्धारित नहीं है, ये उन्होंने बिल्कुल भी फिक्स नहीं किया है। और जिससे सिर्फ ये प्रतीक होता है कि सिर्फ इन्होंने एक अंक दिया है 20 लाख करोड़ एक अंक दिया है और जिसका कोई कोई लेना देना नहीं है कि हेल्थ में कितना खर्च किया जाए, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च किया जाए, लोगों के आगे जो हमने ये भी कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी कि हर गरीब जो टैक्स पे नहीं करता है उसके जो अकाउंट में आप 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करो। और जो लोग हमारे बेचारे दूर दराज से अपने अपने स्टेटों में जाने चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो पहली क्लास है वो विधानसभा की लगनी चाहिए, विधानसभा में पहली क्लास लगनी चाहिए, उसके बाद हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो ये भी एक मायने में सही बात है, हम ये चाहते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो तो पहले वो विधायक लोग अपने ऊपर करें, हम सब लोग इकट्ठे अपनी कक्षा में जाएं और लोगों को एक एग्जांपल सेट करें तो तभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हो रहे हैं 50-50,000 वो लोग पे कर रहे हैं उसके लिए, 50-50 हज़ार रुपये उन्होंने पे किया है और तब जाके सिजेरियन किया है, जबकि आज की डेट में आपने देखा कि इनकी अपनी जो कोताही इन्होंने बरती है उसकी वजह से गायनी वार्ड बंद है आपके यहाँ से जो पेशेंट है, वैसे भी हमारे जो रेणुका चिलाई और दूर दराज क्षेत्र से जो पेशेंट आते हैं उनको नाहन के लिए रेफर किया जाता है, अब उनको नाहन से भी कोई चंडीगढ़ रेफर कर रहे हैं, कोई सोलन को रेफर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो लोगों के सामने आ रही है। लोगों को अच्छी मात्रा पे सिरमौर में हुई है, उनको अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, पिछले साल 50-60 रुपये किलो था तो इस बारी 25-26 रुपये किलो बिक रहा है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जी साथ ही हमारे जो फार्मर्स है जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उनका भी ध्यान रखा जाए और उनको भी कोई सहायता दी जाए, और ऐसी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर लिख के उनसे मांग की थी। और मैं ये समझता हूँ कि इस महामारी के दौरान जो भी ये गबन हुआ है इसके सरकार सपोज टू पे द बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपनी जेब से उनके बिल पे किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इसके, और आपने देखा होगा कि